ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनकी उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। घटनाएं जो हो रही है वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। कैमरे पे रो रही इस लड़की का नाम है रुखसार, जो बहराइच कांड के मुख्य आरोपी सरफराज की बहन है। जिस सरफराज को यूपी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चला के पकड़ा, उसकी बहन रुखसार ने यूपी पुलिस पे बेहद गंभीर आरोप लगाए। जैसे सुल्तानपुर केस में मंगेश यादव की बहन ने कहा था, भाई को पहले पुलिस उठाकर ले गई, फिर उसकी मौत की खबर आई, ठीक वैसे ही सरफराज की बहन ने कहा कि हमारे भाई को भी पुलिस पहले ही उठा कर ले गई और अब हमें डर लग रहा है। हम उसका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। जरा सुनिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैसे दंगाइयों का परिवार डरा हुआ है और अखिलेश यादव से मदद की गुहार लगा रहा है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव भी दंगाइयों के परिवार का समर्थन करेंगे, जैसे डकैत मंगेश के परिवार का किया था। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां किवाना गंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है, ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। रुखसार के इन आरोपों के बाद सपा से लेकर कांग्रेस तक योगी सरकार में हाय तौबा मचाने लगे और इस एनकाउंटर की जांच की मांग उठाने लगे। अब जरा सोचिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को क्या दंगाइयों से प्यार है। और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए है। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि एनकाउंटर किसका किया इन्होंने। क्या उनको भी समर्थन देगी जिन लोगों ने गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतारा है? अब सवाल है, रुखसार के आरोपों में कितना दम है? क्या यूपी एसटीएफ पहले आरोपियों को घर से उठाती है और गिरफ्तारी दिखाने से पहले ऑपरेशन लंगड़ा या ऑपरेशन लोक की कहानी सुना देती है, या फिर यूपी पुलिस की छवि को बदनाम करने के लिए हर केस में एक ही तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला एकदम सिंघम अवतार में बाहर आती है और मीडिया में जो दावा करती है, उसके बाद उनकी पीठ योगी आदित्यनाथ भी थपथपाएंगे। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालीम। कहां पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहां पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? अभी बताते हैं, मैं देख के आई विल कम एंड गिव। क्या है रुखसार एंड फैमिली का गुनाह? बहराइच के रामगोपाल मिश्रा को जिस घर में मारा गया वो रुखसार का मायका है। रुखसार के पिता का नाम अब्दुल हमीद है, जिसकी सोने चांदी यानी गहने की शॉप है। अब्दुल के 4 बेटों में से सबसे बड़े वाले बेटे पिंटू पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट लगा है। दूसरा घर पे था, दूसरे बेटे रिंकू पर ही उस दिन फायरिंग का आरोप लगा है। इसकी एक तस्वीर भी सामने आ गई। अब्दुल के तीसरे बेटे का नाम सबलू है, जबकि चौथा बेटा नाबालिग है, पूरा परिवार दबंग है। ऐसे में पुलिस पूरे परिवार की कुंडली खंगाले में जुटी है। बहराइच के एसपी ने साफ कहा है कि आरोपियों पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसका मतलब क्या होता है आप ये भी समझ लीजिए, किसी पे अगर रासुका लगा दिया गया तो उसकी जिंदगी कैद हो जाएगी। सोशल मीडिया पे बहस छिड़ गई है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन लंगड़े के साथ ऑपरेशन पिंजड़ा भी शुरू कर दिया है, जिस पिंजड़े में जिंदगी भर के लिए दंगाइयों को कैद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।